नमस्कार, मैं शिवानी धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक की प्रमुख खबरों को। यूक्रेन युद्ध पर दुनिया बटी हुई है और इसका नजारा इंडोनेशिया के बाली में हो रही G20 समिट में भी देखने को मिला है। इस समिट के समापन घोषणा पत्र में रूस की आलोचना करने का प्रस्ताव पश्चिमी देशों की ओर से रखा गया था, जो गिरता दिख रहा है। भारत के अलावा चीन, रूस, ब्राजील, सऊदी अरब और खुद मेजबान इंडोनेशिया ने विरोध किया है। महाराष्ट्र के ठाणे में शिवसेना के दोनों धड़ों के बीच एक बार फिर संग्राम देखने को मिला है। जानकारी के अनुसार सोमवार देर रात शिंदे और उद्धव गुट समर्थकों के बीच जमकर हाथापाई हुई। बताया जा रहा है कि जब उद्धव गुट के नवनियुक्त पदाधिकारियों का अभिनंदन हो रहा था, तो मौके पर मौजूद शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने ठाकरे टीम के सदस्यों को बुरी तरह पीट डाला। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के जुर्म में 32 साल जेल की सलाखों में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आजाद हुई 6 दोषियों में से एक नलिनी अभी भी खुश नहीं है। उसने केंद्र और तमिलनाडु के स्टालिन सरकार से 4 श्रीलंकाई नागरिकों की रिहाई की अपील की है। इन लोगों में उसका पति पी श्रीहरन भी शामिल है। नीतीश कुमार से मुलाकात को लेकर प्रशांत किशोर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। पीके ने मुलाकात के बाद नीतीश कुमार के एक साथ एक बार फिर से जाने के कयासों को खारिज किया है। चुनावी रणनीतिकार ने कहा कि बिहार में जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, उससे लोगों की आशंकाएं सच साबित होती दिख रही है। हैदराबाद के एक बिजनेस स्कूल के 8 छात्रों को कथित रूप से रैगिंग करने और एक छात्र की पिटाई के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया पर इस घटना से जुड़ा वीडियो सामने आने के बाद मामले ने सांप्रदायिक रंग ले लिया था। पुलिस ने बताया कि 5 छात्रों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, वहीं 2 अन्य आरोपी छात्रों को गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं। टाटा समूह के स्वामित्व वाले देश के पूर्व सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया पर $14,00,000 का जुर्माना लगा दिया गया है। इसके अलावा एयर इंडिया को यात्रियों के $12.15 करोड़ यानी कि $12,15,000 लौटाने यानी रिफंड करने के लिए भी कहा गया है। COVID-19 महामारी के दौरान एयर इंडिया के फ्लाइट्स के कैंसिल होने या उनके शेड्यूल में बदलाव से प्रभावित यात्रियों को टिकट के पैसे लौटाने में हुई देरी के कारण एयर इंडिया पर जुर्माना लगा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने G20 देशों की मीटिंग को संबोधित करते हुए यूक्रेन युद्ध को समाप्त कर शांति का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि मैं कई बार दोहरा चुका हूं कि हमें सीज फायर और डिप्लोमेसी के रास्ते पर बढ़ते हुए यूक्रेन युद्ध का हल निकालना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पिछली शताब्दी में तबाही देखी थी, तब के नेताओं ने उसे संकट से निकलने के लिए गंभीर प्रयास किए थे और शांति के रास्ते पर आए थे, अब हमारी बारी है। दक्षिण मिजोरम के हनहथियाल जिले में सोमवार को ढही पत्थर की एक खदान के मलबे से 8 शव बरामद किए गए हैं। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। हनहथियाल के जिला उपायुक्त आर लालरेम संगा ने बताया कि खदान धंसने की घटना में 12 लोग लापता हो गए थे और मंगलवार सुबह 7 बजे तक इनमें से 8 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू के बारे में अपने लेख पर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, इसलिए हम सभी को उनका सम्मान करना होगा, लेकिन उनके कुछ फैसलों ने देश को दर्द और पीड़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री ने एक ट्वीट कर कहा कि भारत में शामिल होने के महाराजा हरि सिंह के अनुरोध को नेहरू जी ने एक बार नहीं बल्कि 3 बार खारिज कर दिया था। साउथ एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु की फिल्म यशोदा सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन कर रही है। सेरोगेसी घोटाले पर आधारित यशोदा को दर्शकों का पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। रिलीज के 4th दिन भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की। ओपनिंग वीकेंड पर फिल्म 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करने में सफल रही है। सेना के क्षेत्रीय कार्यालय दानापुर के लिए अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन 1 से 14 दिसंबर तक होगा। इसमें 1 से 13 दिसंबर तक पुरुषों के लिए और 14 दिसंबर को महिलाओं के लिए रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली दानापुर में भर्ती कार्यालय के ग्राउंड में होगी। अग्निवीर की पुरुष रैली के लिए प्रवेश पत्र जारी किया गया और अभ्यर्थियों को पंजीकृत मेल आईडी पर भेज दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित T20 वर्ल्ड कप 2022 में भारतीय टीम के फेल होने के बाद BCCI अब भारतीय T20 के सेटअप में MS धोनी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपना चाहती है। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के अनुसार BCCI को लगता है कि हेड कोच राहुल द्रविड़ के लिए तीनों प्रारूपों के प्रबंधन का भार बहुत अधिक है। यही कारण है कि BCCI कोचिंग भूमिकाओं को विभाजित करने पर भी विचार कर रहा है। बॉलीवुड के पावर कपल आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के घर 6 नवंबर को बेबी गर्ल ने जन्म लिया। मां बनने के बाद अब आलिया ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर पहला पोस्ट किया है। उनके इस पोस्ट को देखने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस भी ही नहीं बल्कि सितारे भी जमकर प्यार लुटा रहे हैं। उन्होंने हाथ में एक बड़ा सा कप ले रखा है जिस पर मामा लिखा हुआ है। इस पोस्ट को शेयर करते हुए डार्लिंग्स एक्सप्रेस ने कैप्शन में लिखा, यह मैं हूँ।
बिहार में जाति आधारित जनगणना के काम में देरी होने की गुंजाइश बढ़ गई है। सरकार ने इसे फरवरी 2023 तक पूरा कराने का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन गणना का कार्य शुरू करने से पहले की जरूरी तैयारियां अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी है। इसे देखते हुए सरकार ने जाति जनगणना के लिए समय सीमा बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में कई जेईई मेन के वर्ष 2023 में आयोजन की तारीख अधिसूचना जारी होने, इसमें सम्मिलित होने के लिए जरूरी पंजीकरण को लेकर लाखों उम्मीदवारों में उत्सुकता और मीडिया रिपोर्ट्स में लगाई जा रही अटकलों को देखते हुए सोशल मीडिया पर फर्जी नोटिस वायरल हो रहे हैं, जिसमें यह फर्जी दावा किया है कि एनटीए जेईई मेन 2023 का पहला सेशन 18 से 23 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा और दूसरा चरण 4 से 9 अप्रैल 2023 तक होना है। यह फेक है, इस पर विश्वास न करें। हरियाणा राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले पानी के उपचार और पुनः उपयोग पर फोकस किया है। एचएसपीसीबी के चेयरमैन पी राघवेंद्र राव ने प्रदेश के सभी पीसीबी क्षेत्रीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि वे एसटीपी पर फोकस करें। साल 2020 के फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के संबंध में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगाए गए आरोपों को चुनौती देने वाले आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को निर्णय सुरक्षित रख लिया है। न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा की पीठ ने ताहिर और ईडी की दलीलें सुनने के बाद दोनों पक्षों को दो दिनों के भीतर 3 पेज में लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्र छात्राएं अगर सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं तो इच्छुक विद्यार्थी बगैर 1 रुपया खर्च किए सिविल सेवा की कोचिंग कर सकेंगे। विश्वविद्यालय में इस कोचिंग की सुविधा डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शुरू की गई है। अमेरिका के वरिष्ठ सांसद ने भारत में अमेरिकी राजदूत की लंबित नियुक्ति को लेकर चिंता जताई है। दरअसल नियुक्ति का यह मामला करीब 2 सालों से लटका हुआ है। अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि अब सीनेट में इसके अनुमोदन का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि चीन की आक्रामकता का सामना करने के लिए भारत से रक्षा और रणनीतिक भागीदारी मजबूत करना अमेरिका का जरूरत है। रेलवे ने सामान्य श्रेणी में यात्रा करने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। रेलवे ने यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप से जनरल टिकट लेने का दायरा बढ़ा दिया है। अब यात्री मोबाइल ऐप से 20 किलोमीटर के दायरे में जनरल टिकट खरीद सकेंगे। पहले यह सुविधा 5 किलोमीटर के दायरे तक सीमित थी। इसके दैनिक यात्रियों को विशेष राहत मिलेगी। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला मवेशियों कोयला तस्करी कांड के बाद अब स्वादिनी रोजगार योजना की भी सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग की जा रही है। भाजपा विधायक और बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने रोजगार योजना में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए इसकी केंद्रीय जांच एजेंसियों से जांच कराने की मांग पर कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। मुंबई इंडियंस के स्टार ऑलराउंडर किरण पोलार्ड अब इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। उन्होंने इस टी20 लीग से अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। पोलार्ड ने यह फैसला तब किया जब आईपीएल 2023 के लिए होने वाले मिनी ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिटेन नहीं किया और रिलीज कर दिया है। साउथ सुपरस्टार महेश बाबू के पिता कृष्णा घट्टामनेनी का मंगलवार की सुबह निधन हो गया है। महेश बाबू के पिता कृष्णा घट्टामनेनी जाने माने तेलुगु एक्टर थे। पिता के निधन से महेश बाबू पर दुखों का पहाड़ जरूर टूट पड़ा है। महेश बाबू के पिता को एक दिन पहले हार्ट अटैक के बाद हैदराबाद के प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया था। सपा का गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी लोकसभा सीट पर भाजपा ने पूर्व सांसद रघुराज शाक्य को प्रत्याशी बनाया है। रघुराज शाक्य सपा के प्रत्याशी डिंपल यादव को चुनौती देंगे। लोकसभा क्षेत्र में यादव मतों के बाद सबसे ज्यादा शाक्य मतदाता है। दिल्ली के छतरपुर इलाके में 18 मई 2022 को गर्लफ्रेंड श्रद्धा वाकर की हत्या के बाद आरोपित आफताब अमीन पूनावाला को अपने इस घिनौने कृत्य पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। खबर के अनुसार उसने 15 से 20 दिन के भीतर दूसरी गर्लफ्रेंड बना ली। यह दूसरी गर्लफ्रेंड उसने बंबल ऐप के जरिए बनाई और अगले ही दिन से डेट करने लगा। यह जानकारी दिल्ली पुलिस की पूछताछ में सामने आई है। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने अपने शिकायत प्रबंधन तंत्र में आमूलचूल संशोधन किया है। इसके तहत भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत दर्ज कराने वाले लोगों को अब अपना मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सीबीसी की शाखा के तौर पर काम करने वाले मुख्य सतर्कता अधिकारी को भी नया काम असाइन किया गया है। मुंबई के 26/11 आतंकी हमले की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए भारतीय नौसेना अब तक की सबसे बड़ी एक्सरसाइज सी विजिल 2022 करने जा रही है। मंगलवार से शुरू होने वाले इस 2 दिवसीय युद्धाभ्यास में नौसेना के साथ साथ इंडियन कोस्ट गार्ड, राज्यों की मरीन पुलिस, सीआईएसएफ, कस्टम और शिपिंग मंत्रालय भी हिस्सा लेगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें कोर्ट ने मंगलवार को 2 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने शर्त रखी है कि अभिनेत्री बिना कोर्ट की इजाजत के देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकती हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया के बाली शहर गए हुए। इस दौरान उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने वहां पर भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि इंडोनेशिया बाली आने के बाद हर हिंदुस्तानी को एक अलग ही अनुभूति होती है, एक अलग ही एहसास होता है। मैं भी वही वाइब्रेशन महसूस कर रहा हूँ जो भारत के लोग कर रहे हैं। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात जाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी वापी में रोड शो करेंगे और वलसाड में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब कॉमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मुटु रंगीला, बाबूलाल मरांडी, मोहम्मद नौशाद रजा, के सिन्हा, दीपक कुमार, रविशंकर, अखिलेश यादव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि रेलवे द्वारा मोबाइल ऐप से जनरल टिकट खरीद के लिए 20 किलोमीटर के दायरे बढ़ाने के इस फैसले से यात्रियों को कितना लाभ मिलेगा। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।